हाँ पूछिए, सवाल पूछूंगा ना। हाँ तो पूछिए, आपने छोड़ा क्यों? क्यों छोड़ गए? क्यों छोड़ गए साहब? आप छोड़िए ना, आप छोड़िए, सुनिए ना, आप दूसरों को क्यों छोड़ा रहे हैं? आप छोड़िए, आप सवालों का जवाब दीजिए ना। कौन सा सवाल है? कोई सवाल? जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर में है, गली गली में है, यहाँ पार्टियों के पास प्रवक्ता तक नहीं है, गंभीरता से प्रवक्ताओं को नियुक्ति नहीं होती है, कोई भी आकर के प्रवक्ता बन के पार्टी की ही ऋण पीट करके चला जाता है। पहले तो आप गलत जगह सवाल कर रहे हैं, देखिए वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है मिश्रा जी, वो तो एक्सपर्ट है, देखिए उनका काम है पॉलिटिक्स को समझना और कहना, इस पूरी पॉलिटिकल गतिविधि को समझाने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एके मिश्रा साहब। आप बताया भाजपा में सारे पढ़ा लिखा व्यक्ति आ गया, उस चीज से तो बढ़िया है जब आजम खान आईएएस और आईपीएस को भैंस ढूंढने में लगाते थे, उससे तो बढ़िया काम ये कर रहे हैं ना। ठीक है लॉर्ड मिश्रा जी, क्या आपको भी ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं संगठन स्तर पर कोई मतभेद रहा और यही वजह थी कि एक पीएमओ का मॉनिटर लाकर इस सरकार में बिठाने की कोशिश की जा रही, जो तमाम बातें हुई? देखिए हमारे जितने विपक्ष के मित्र हैं, इन लोगों की हालत ये है ना कि एक बार जैसे चार अंधे थे, चार अंधों ने मिलकर हाथी का पैर पकड़ा, किसी ने पूछ पकड़ा तो कोई बोल रहा है खंभा है तो कोई बोल रहा है पेड़ है, ये लोग तो ये बोलेंगे भैया सबको हटा के बहन जी को जो है बीजेपी का वो बना के यूपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, अखिलेश यादव को बनाए है क्या? इंटरनल रिफॉर्म है ये, इंटरनल रिफॉर्म में अपने आप को मजबूत करने के लिए पार्टी को लगता है कि ये फलाना स्टेट या कोई दूसरा स्टेट हमारे लिए जरूरी है, वहां पे किसी को हटा करके किसी अच्छे आदमी को रखना जिसकी जो सुटेबिलिटी हो उस हिसाब से, तो ये प्योरली इंटरनल रिफॉर्म है, अपने आप को उसके हिसाब से उस परिस्थिति के हिसाब से मजबूत बनाने के लिए ये कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि योगी जी को हटा देंगे तो उनको हटा देंगे वो फेल्योर हो गए, एक आदमी के आने और जाने से फेल्योर और सक्सेस का क्या फर्क पड़ेगा? मैं बोलता हूँ बहुत मैसिव चेंज हो जहाँ पे 10-20 मंत्री मिनिस्टर को हटा दिया जाए, सारी चीजें कर दी जाए तो समझ में आता है इंटरनल रिफॉर्म है, ये बीजेपी की खूबी है, समझना चाहिए। दूसरे पार्टियों को भी मैं सलाह दूंगा, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे उनके यहाँ क्या होता है, कभी राहुल गांधी जी हट गए तो सोनिया गांधी जी आ गई, सोनिया गांधी जी हट गए तो राहुल गांधी जी आ गए, बसपा में तो कुछ होता ही नहीं है रिफॉर्म, वहां एक ही आदमी है, सपा में भी रिफॉर्म हुआ था अखिलेश यादव और उनके पिताजी के साथ स्टेज पे रिफॉर्म करने, पिछले चुनाव के दौरान ही हुआ था। नहीं सुनिए, स्टेज पे रिफॉर्म करने की कोशिश की गई थी, पब्लिक के सामने दिखाया गया था, माइक पकड़ के लड़ाई हुई थी, फिर चाचा भतीजे में भी रिफॉर्म हुआ, इनको हटाओ उनको करो, ये एक कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म है, इसको लेके आप लोग गलतफहमी में मत रहिए, गंभीरता से लीजिए, कुछ न कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल आदमी को किसी पर्पस से बैठाया जा रहा है जो आगे चल के बीजेपी को फायदा देगा, और विपक्ष से निवेदन है कि आप इस तरीके से इंटरव्यू करिए, आपका भी दिखाई दे रहा है, और ये कहीं ना कहीं सुनिए ये हताशा है, ये निराशा है, सत्ता से आप दूर हो गए, 100% दूर हो गए। अरे मैं इन सब चीजों को नहीं मानता सर, मैं बोलता हूँ कोई यहाँ अमर होकर नहीं आया है, न सत्ता किसी की अमर होकर के आई है, आप भी शायद यही सोचते थे कि आप सत्ता से नहीं हटोगे, आप नेपथ्य में चले गए हैं कि नहीं चले गए हैं अपनी इन्हीं आदतों के कारण, आप क्यों नहीं रिफॉर्म कर रहे हैं मुझे बताइए, आपकी पार्टी के अंदर कोई ऐसा है जो बता सकते हैं कि हाँ किसी को हटा के इनको बनाया जाएगा? कोई है लीडरशिप आपके यहाँ इस तरह का रिफॉर्म हो रहा है? आप तो सर एक लिखित तरीके से आपके अंदर एक प्रवक्ता भी डिक्लेयर नहीं है आपकी पार्टी में, बीएसपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता कौन है मुझे बताइए, राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता कौन है बीएसपी का लिखित तरीके से बताइए, है कोई? अरे भाई छोड़िए ना, नहीं छोड़ा क्यों? क्यों छोड़ गए? क्यों छोड़ गए साहब? आप छोड़िए ना, आप छोड़िए, सुनिए ना, आप दूसरों को क्यों छोड़ा रहे हैं? आप छोड़िए, आप सवालों का जवाब दीजिए ना। कौन सा सवाल है? कोई सवाल है ही नहीं, है ना, एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते मेरे ये सवाल है ना आपसे। हाँ पूछिए, सवाल पूछूंगा ना। हाँ तो पूछिए ना, आपके आपका अगर प्रमुख आपके सरकार के अगर प्रमुख सचिव ये कह रहे हैं कि किसानों का बकाया है, अगर आपके प्रमुख सचिव ये कह रहे हैं कि अगर फसलों की जो बेहतर जो जो खरीद है वो नहीं हुई ना, है ना, ये तो पॉजिटिव चीजें हैं सर, यही तो डेमोक्रेसी है कि पार्टी में रह के पार्टी के लोग ही उनको बता रहे हैं कि हमें यहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है, आपकी पार्टी में किसी की हिम्मत है तो बोल के दिखाए कि बहन जी की ये नीति गलत है, मुद्दा वही है सर, बीएसपी ने सपा में कोई अपने लीडरशिप के खिलाफ बोल के दिखा दे, क्योंकि आप
सत्ता में है, देखिए सुनिए, हर व्यक्ति किसी ना किसी विचारधारा से। सतीश साहब पहले तो आप गलत जगह सवाल कर रहे हैं, देखिए वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है मिश्रा जी। सतीश साहब पहले तो आप गलत जगह सवाल कर रहे हैं, देखिए वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है मिश्रा जी। उसकी बात मानिए, मेरे से बसपा सपा का भी है, वो तो एक्सपर्ट है, देखिए उनका काम है पॉलिटिक्स को समझना और कहना। ठीक है, खैर आपके जो सवाल है शबनम जी कि लेकिन यहाँ तो चीजें थोड़ी उल्टी है। यहाँ तो एक आईएएस अधिकारी को जो बहुत अच्छी तरह से पीएमओ में काम कर रहा था, सचिव स्तर का अधिकारी है और सीनियर आईएएस अफसर है, उसको बीआरएस दिला करके, बीआरएस दिला करके उसको लाया जाता है और बीआरएस दिला करके ला करके बीआरएस दिलाया या बीआरएस लिया, ये आप कैसे कह सकते हैं? बीआरएस मैं कह रहा हूँ, दिलाया ये आप इतने पुख्ता होकर कैसे कह रहे हैं? आप तो बड़ा कॉन्फिडेंटली कोट कर रहे हैं कि बीआरएस दिलाया गया, बीआरएस दिलाया जाता है। नहीं, ये बीआरएस दिलाया जाता है। आपको कैसे पता है? और मेरी बात सुनिए मिश्रा जी, मेरी बात सुनिए, और मुख्यमंत्री के बगल के बंगले को इलाज किया जाता है। प्रश्न तब उठता है, सवाल तब यहाँ से उत्पन्न होता है, सवाल तब पैदा होता है जब मुख्यमंत्री के बगल के बंगले को दे दिया जाता है। मुख्यमंत्री के बगल बंगला दिया गया तो वो मुख्यमंत्री सर अब इसमें क्या बोलेगा कोई एक्सपर्ट? आप मुझे बताइए, इस तरीके से आपको रिलेट कर रहे हैं। मैं बोलता हूं किसी को अगर कहीं बंगला दे दिया गया, कुछ दे दिया गया, तो इसका मतलब है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खतरा हो गया। ये सब चीजें नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जा सकती है। मिश्रा जी मुझे तो आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपको इन सब चीजों पे बुरा क्यों लग रहा है, लेकिन यहाँ से प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? लॉजिकल बात पर तो सबको बुरा लगेगा ना, देखिए लॉजिकल बात पर टोकने का अधिकार तो सबका है। मेरे मित्र सुनिए, मुझे अच्छा लगता है, ये सोच के अच्छा लगता है जब कोई समाजवादी पार्टी बसपा का नेता भी अच्छी तरीके से बात करे, लॉजिकल बात करे, जिससे मुझे उम्मीद जगे कि कल को आप सफल बन रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। मेरी तो सारी पार्टियों को शुभकामना रहती है कि भाई आप लोग विजयी होइए। क्वेश्चन यहाँ ये आके फंस जाता है, इस तरीके से सोचने से जैसा सोचेंगे वैसी रणनीति, इतने गलत डायरेक्शन में आप लोग सोचते हैं और वैसा ही एक्ट करते हैं और अभी तक फेल हो रहे हैं। मैं फिर भी बोलूंगा आगे के टाइम के लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन सोच को बदलिए सर, सत्ता बदलनी है तो सोच को बदलना पड़ेगा। मिश्रा जी, आपकी शुभकामना को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? प्रश्न पर सर इस बात से भी बनता है कि आप किसानों के मुद्दे पर, वैक्सीनेशन के मुद्दे पर आपके नेता क्या कहते हैं? बनता है, इंटरनल इन्फॉर्म होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? छोटे स्तर के प्रश्न नहीं बनते हैं सर, जो अंदर का प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि इंटरनल रिफॉर्म की जो खूबी बीजेपी ने अपने अंदर डेवलप कर ली है, पहले ये नहीं था। इसका एक मतलब और है, पार्टी रहना चाहिए, पार्टी की नीतियां रहनी चाहिए, नेता चाहे कोई हो, मुख्यमंत्री कोई हो, प्राइम मिनिस्टर कोई हो, नेता रिफॉर्म करने वाला नहीं था उत्तर प्रदेश में मिश्रा जी, कोई नेता रिफॉर्म भारतीय जनता पार्टी में नहीं था जो भारतीय जनता को रिफॉर्म करता। उत्तर प्रदेश में आईएएस सीनियर आईएएस अधिकारी को लाया गया रिफॉर्म करने के लिए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है कि नहीं मिश्रा जी? आप बताएं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़ है? है तो बाबा साहब के संविधान के हिसाब से ही उसकी नियुक्ति थी। अगर और ये तो अच्छी बात है ना कि राजनीति में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आ रहा है, वो तो कहीं भी अच्छी बात है ना? अब तक अनपढ़ थे क्या? हाँ, मैं अब तक अनपढ़ या नहीं थे? ये आप बताएं ना, भाजपा में सारे अनपढ़ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आ गया। उस चीज से तो बढ़िया है जब आजम खान आईएएस और आईपीएस को भैंस ढूंढने में लगाते थे, उससे तो बढ़िया काम ये कर रहे हैं ना सर। इतना मायोपिक होके इतने छोटे तरीकों से मत देखिए, नहीं तो सत्ता से आप दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए पॉलिटिकली बहुत जो है एनालाइज करते हैं मिश्रा जी। मिश्रा जी, क्या 17 और आज 21, इन चार सालों में जनता ने कभी ये महसूस किया कि हमने गलती की थी 17 में बीजेपी को मौका देकर? क्योंकि अगर मेरे हिसाब से मैं देखूं, अगर गलती की होती तो बायपोल्स में कुछ अंतर दिखता या कुछ ऐसी चीज दिखती, हमें मुझे तो कुछ दिखा नहीं। क्या ये लगता है आपको ग्राउंड पर ऐसा है? देखिए, बीजेपी की जो सबसे बड़ी खूबी है, मैं सतीश जी जो हो गए हमारे और मित्र जो हैं, मैं उनको भी ये बोलना चाहता हूँ, भाई देखिए सरकार किसी की भी हो, क्या हो, मेरा उससे लेना देना नहीं, आप भी जीतिए। सवाल ये है कि क्यों बीजेपी जीत रही है, इसका मतलब है कि राजनीति का प्रबंधन तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं ना। बीच में कई बार ऐसा लगता है कि हाँ भाई, जनता को ये शायद एहसास होता है कि सरकार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है, चेंज ले आती है। ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये जड़वत होने से आपकी पार्टी स्वयं आप भी जड़वत हो जाते हैं। पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है
वो एक सजीव व्यक्ति की तरह बिहेव करती है। समाज में चेंज होता है, राजनीति में चेंज होता है और पार्टी में भी चेंज होते रहने चाहिए, चाहे शीर्ष का नेतृत्व हो, चाहे उनकी आइडियोलॉजी हो, चाहे और भी जो नेता उसमें होते हैं पदाधिकारी। चेंज कहीं किसी में दिख नहीं रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए, नड्डा जी का जैसे यूपी का दौरा है, अच्छा है बुरा है जाने दीजिए, मुझे फेवर और अगेंस्ट से मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज तो है कि बीजेपी में जो आदमी है, बंगाल भी वो जा रहे हैं, यूपी भी, यूपी का चुनाव तो अभी बहुत दूर है, तभी तो सपा बसपा के सारे नेता अपने अपने महल में बैठे हुए हैं और ट्वीट कर दे रहे हैं। जो खूबियां हैं, मेरे कहने का मतलब, आपका जो प्रतिद्वंदी है यानी बीजेपी, वो इतनी सशक्त है, पॉलिटिकल उससे देखिए, संगठन से देखिए, काम करने की क्षमता से देखिए, क्या आप लोग उस चुनौती को तोड़ने के लिए स्वीकार कर आप लड़ी नहीं रहे उस लेवल तक? आप लोगों की परफॉर्मेंस है या इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं? सोचने वाली बात यह है, जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर में है, गली गली में है, यहाँ पार्टियों के पास प्रवक्ता तक नहीं है, गंभीरता से प्रवक्ताओं को नियुक्ति नहीं होती है, कोई भी आकर के प्रवक्ता बन के पार्टी की ही रेण पीट कर, जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर में है, गली गली में है, यहाँ पार्टियों के पास प्रवक्ता तक नहीं है, गंभीरता से प्रवक्ताओं को नियुक्ति नहीं होती है, कोई भी आकर के प्रवक्ता बन के पार्टी की ही रेण पीट करके चला जाता है। सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी है कि हम प्रवक्ता बनाएंगे, वो कर रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, हमारी बात को नहीं, वो एक फैक्टर है, लेकिन ये जो प्रवक्ता नहीं बना रहे हैं ना, वो योग्य भी तो आदमी मिलना चाहिए। हो सकता है पार्टी ये समझती है कि हमें प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल हमारे पास कोई योग्य व्यक्ति नहीं, नहीं कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, या इंडिविजुअल मेरा कद इतना बड़ा है कि पार्टी में कोई रहे या ना रहे, मेरे अपने कद के हिसाब से हम चुनाव जीत जाएंगे जो भी, या हो सकता है पार्टी के आला कमान प्रवक्ता परिवर्तन चाहता है। समाजवादी पार्टी ने परिवर्तन किया, बीजेपी परिवर्तन करती है, कांग्रेस ने परिवर्तन किया, बसपा क्यों परिवर्तन की तरफ नहीं बढ़ गया? सुनिए सुनिए, देखिए देखिए देखिए, मिश्रा जी बड़े योग्य राजनीतिक विश्लेषक हैं, ठीक है ना, वो जिसको राजनीतिक प्रबंधन की बात कर रहे हैं ना, राजनीतिक चालबाजियों और राजनीतिक बेईमानियों को अगर मिश्रा जी को ये लगता है कि ये राजनीतिक प्रबंधन है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। बिहार का राजनीतिक प्रबंधन अगर मिश्रा जी आपको मालूम हो कि कितना बेईमाना हुआ, कितने लोगों को हराया गया, सुबह 10 बजे बीजेपी की क्या हालत थी, चुनाव परिणामों को रोका गया, कहा 200-200 और 300-300 वोटों से लोगों को हराया गया, चुनावी प्रकार प्रभावित किया गया, तो ये राजनीतिक प्रबंधन हम नहीं कर सकते। सवाल जवाब एक मिनट करा रहा हूँ मैं आपका, शोभना मैम के पास भी आऊंगा। सतीश जी सुनिए, मिश्रा जी जवाब दीजिए, सतीश जी सुनिए, देखिए इसको सुनिए, राजनीतिक बेईमानों को और राजनीतिक बेईमानी को आप राजनीतिक प्रबंधन से ना जोड़े, उसको बेईमानी के रूप में ही रखें। सुन लीजिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हैं। नहीं सुनिए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं निष्पक्ष हूँ, मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, जिम्मेदारी है, लेकिन हैरानी तब होती है कि राजनीति के प्रबंधन में अगर कहीं कुप्रबंधन हो रहा है, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, तो उसको रोकने का जिम्मा भी तो आप लोगों का है, विपक्ष का है, विपक्ष वहाँ पे भी फेल हो जा रही है। मैं बोलता हूँ, आप देख रहे हैं गलत हो रहा है, चाहे बिहार में हो चाहे जहाँ पे भी हो, आप रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप लोग क्या करते हैं, आपकी पार्टी क्या करती है? मैं इस चीज को भी मान लेता हूँ आप लोगों के फेवर में कि भाई बीजेपी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही है, सरकार खराब है, तो आप लोग कोई इफेक्टिव कैंपेन क्यों नहीं चला रहे हैं सर, इन सारी बेईमानियों के अगेंस्ट क्यों नहीं सर? अब या तो मान लीजिए कि भाई हमने घुटने टेक दिए हैं, हमारे बस की बात नहीं है, यही मान लीजिए, बाईपास दे दीजिए अपने आप को, चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? सामंतवादी सोच से बाहर निकल के आइए। अच्छा सतीश जी, आप सर, आप मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग सोचिए कि कैसे आपके विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं, जैसे बसपा के लिए चुनौती कांग्रेस देगी, सपा देगी, बीजेपी देगी, आप बसपा को ये सोचना चाहिए कि हम थ्री फ्रंट का कंपटीशन कैसे मैनेज करेंगे? बाहर निकलिए, अब हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे वो मिश्रा हो या गैर मिश्रा हो, वो अच्छा सोच सकता है देश के बारे में। अच्छा चलिए सतीश साहब, सोच ही रहे हैं, चले चले चले, नहीं हो रहा है, देखिए दिख रहा है, सोच को बदलिए, तो निष्ठा से बाहर आते हैं, आपकी तरफ से सोचते हैं तो उसको शेख चिल्ली के हसीन सपने बोलते हैं सर। अच्छा सतीश साहब, ये बताइए कि बसपा जो है वो ट्विटर से कब बाहर आएगी, क्योंकि ग्राउंड पर कांग्रेस भी नजर आती है, सपा भी नजर आती है, बसपा भी दिखती नहीं गई। ट्विटर से बाहर निकालो ना, नहीं आप तो पहले मुझे बताइए सर,
अरे आप बीजेपी के लीडर सवाल के बदले सवाल नहीं हो सकता ना सर, आप ये कहना चाहते हैं सवाल के बदले सवाल नहीं, मैं हर मुद्दे पर देखता हूँ कि एक ट्वीट आता है केवल, वो ट्वीट ही केवल सब कुछ होता है, कोई नेता नहीं दिखता। मायावती पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, अब तो वो भी नहीं करती। इस देश के दलितों को ट्विटर पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे सर कहाँ ले गए आप बात को, फिर दलितों में चले गए, आपको दलितों की सरकार बनानी है क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश में दलितों का मुख्यमंत्री बनाना है क्या? सबका मुख्यमंत्री बनाइए ना, ये दलित, ये सवर्ण, ये क्या है? सुनिए ना, ये जनता की बात कीजिए ना आप, प्रदेश की जनता की बात कीजिए, आप दलित में कहाँ चले गए?